अभी पढ़े अभी पढ़े अभी पढ़े, सुनो ना सुनो ना, काय का टेस्ट था डिविडेंड पॉलिसी का, नहीं बना वो इक्का दुक्का डाउट तो रहेंगे ही ना, वो तो अपन ले लेंगे, ठीक है क्या? आ जाओ, वर्किंग कैपिटल शुरू कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, मुझे ये बताओ। बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकल सेंस में ले जाके आपको समझाऊंगा, कि अभी तो 2-3 दिन तक मेरी दुनिया में प्रैक्टिकल ही चलेगा जो चलेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वर्किंग। तू भी अंदर हुआ था क्या? अच्छा, बच गया था फिर, चलो। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है बताओ मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? जो डे टू डे ऑपरेशन में जो यूज होती है, क्या बात समझ में आ रही है? बोलते ना करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब मुझे ये बताओ, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, बोलो। हाँ, ये आपको पता है? और वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन आप मुझे क्या बता रहे हो, जो डे टू डे एक्टिविटी में यूज होती है? क्या कभी आपने रिलेट करने की कोशिश की डे टू डे एक्टिविटी में यूज होने वाली कैपिटल को करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज क्यों बोलते हैं? ठीक है, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। इसको और डिटेल में समझाता हूं मैं तुमको। मेरी कैपिटल है, मेरी क्या है बेटा? कैपिटल, सुन रहे हो सब, यहां देखना, मेरी कैपिटल है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में से मैंने 7 लाख के फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, 7 लाख के क्या खरीदे हैं? फिक्स्ड एसेट्स। और 3 लाख के मैंने क्या खरीदे हैं? करेंट एसेट्स। 7 लाख के फिक्स्ड एसेट्स तो रुके हुए बिजनेस में, ये 3 लाख के फिक्स्ड करंट एसेट्स मूव होते रहेंगे। स्टॉक बनेगा, फिनिश गुड्स बनेंगे, डेटर्स बनेगा, कैश से फिर से स्टॉक से फिर से फिनिश गुड्स से फिर से डेटर से कैश, ऐसे घूमता रहेगा पैसा, बोलो हाँ या नहीं। तो ये 7 लाख की कैपिटल फिक्स है, और ये 3 लाख की कैपिटल क्या है? वर्किंग है। नहीं आई क्या भाषण में? अगर तुम मुझसे रियल सेंस में पूछोगे ना वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बेटा करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। नहीं, क्या होता है? करेंट एसेट्स। इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कितनी है? 3 लाख रुपए, बोलो हाँ नहीं। अब अगर मैं बोलता हूं 10 लाख में 7 लाख फिक्स्ड एसेट्स, ध्यान सुनना, 10 लाख में से 7 लाख क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। 3 लाख क्या है? करेंट एसेट्स। लेकिन करेंट एसेट्स है मेरे पास 5 लाख के, तो 3 लाख के तो यहां से आए हैं, बोलो हाँ। और 2 लाख के कहां से आए हैं? करेंट लाइबिलिटी से आए हैं, तभी तो ये 12 लाख और 12 लाख टैली होगा। नहीं समझे कि समझ गए? नहीं समझे हो, सोच नहीं पा रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। मेरी कैपिटल कितनी थी? 10। 7 लाख कहां से आए? फिक्स्ड एसेट्स। 5 लाख कहां से आए? 3 लाख कहां से आए? कैपिटल से। मतलब कैपिटल का 7 लाख गया फिक्स्ड एसेट में, 3 लाख गया करंट एसेट में, तो 3 लाख ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब मैंने और 2 लाख के करंट एसेट्स और है, वो कहां से फाइनेंस हुए हैं? करंट लाइबिलिटीज से, बोलो हाँ या नहीं। तो मेरी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5। और नेटवर्किंग कैपिटल कितनी है? 5 माइनस 2, यानी कितनी है? 3। नहीं आया कि आया? और सरल भाषा में बोलता हूं, करंट एसेट्स कितने हैं? 5 लाख, जिसमें से 2 लाख तो करंट लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए हैं, तो कैपिटल से कितने फाइनेंस हुए हैं? 3 लाख। कैपिटल से कितने फाइनेंस हुए हैं? 3 लाख। तो वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। नहीं आ रही बात समझ में? मेरे पास करंट एसेट है 8 लाख के, ये मेरे हाथ में करंट एसेट है 8 लाख के, इसमें से करंट लाइबिलिटी में से कितने आए? 3 लाख के, तो कैपिटल से कितने क्या है? 5 लाख के। नहीं समझे कि समझ गए? तो डे टू डे वर्किंग कैपिटल, द कैपिटल विच इज वर्किंग, द कैपिटल विच इज वर्किंग, द कैपिटल विच इज सर्कुलेटिंग, द कैपिटल विच इज रिवॉल्विंग इज व्हाट बेटा? वर्किंग कैपिटल। नहीं समझे कि समझ गए? तो ये होती है तुम्हारी वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट है किसी को? देखो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स, the capital which is required to finance the current asset is called working capital. bola hai finance to required to finance the current assets. kya current assets ke liye jo finance hai? ab current assets jitne current liability se finance hue unko alag kar do, baki ka aise finance hue hain capital se, to usko bolte hain working capital. it is the capital of the business which is used to carry day to day business operations of a firm. current assets kya hote hain? already definition padha chuka hu, jo 12 mahine ke andar एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद आ रहे ना? रियलाइज्ड वी सोल्ड इट इज एसेट प्राइमरी फॉर पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ये वही डेफिनेशन जो पढ़ी हुई है तुमने, रियलाइज विद इन 12 मंथ्स और इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ याद आ रहा है?
है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा था आपने। इसके अंदर क्या आता है, करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब हो जाता है। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आ रहा है समझ। करंट लायबिलिटी क्या होती है, सेटल्ड बाय नॉर्मल ऑपरेटिंग साइड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, सेटल विद इन 12 मंथ्स, ठीक है क्या। इसके अंदर ट्रेड पेबल्स वगैरह आ जाते हैं, वो होती है तुम्हारी वर्किंग कैपिटल। कोई डाउट है क्या, फटाफट बोलो, ये पूरा रीड कर लेना। अगर साधारण भाषा में तुमको बोलूं तो सबसे पहले बिजनेस में कैश होता है, क्या होता है, कैश से क्या आता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या आता है, फिर वो काय में कन्वर्ट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस काय बनता है, फिनिश गुड्स में। फिर फिनिश गुड्स बिकते हैं तो क्या बन जाता है, डेटर्स, और डेटर्स हमको वापस से क्या दे देते हैं, कैश। ये चक्की घूमती रहती है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, करंट एसेट्स। ये सब क्या हो जाते हैं, करंट एसेट्स। नहीं समझ में आया कि आया, हेलो। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ लेना, ऑप्टिमम इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। सॉरी फिर से, उसको अलग कर दिया ना, करंट एसेट्स में से क्या माइनस कर दिया, जो करेंट लाइबिलिटी से फाइनेंस हुए थे वो, तो बाकी जो बचे कहां से फाइनेंस हुए थे, कैपिटल से फाइनेंस हुए थे। इसलिए तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बना, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। नहीं आई क्या, आई बात समझ में, सीधी साधा सी भाषा में बात बताऊं, करेंट असेट्स 12 लाख के, कितने के हैं, जिसमें से 3 लाख कहां से आए हैं, करेंट लाइबिलिटीज से। किस कहां से आए हैं, करेंट लाइ, तो कैपिटल से कितने आए होंगे, 9 लाख। कैपिटल का वो हिस्सा जो करेंट असेट में लगा हुआ है, कैपिटल का वो हिस्सा जो करंट असेट्स में लगा हुआ है, वो कहलाता है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। हाँ या ना फटाफट बोलो, ठीक है क्या। इफ अ कंपनीज करंट असेट डू नॉट एक्सीड इट्स करंट लायबिलिटी, दैट मे रन इनटू ट्रबल विद क्रेडिट, क्या है, इफ कंपनीज करंट असेट्स डू नॉट एक्सीड करंट लायबिलिटीज, मतलब कि करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, करंट असेट्स कम है, यानी चुकाने ज्यादा है और आने कम है, दिक्कत की बात है, बोलो हाँ या नहीं। अब मैं तुमको बोलूं करंट लायबिलिटी कितने की है, करेंट लाइबिलिटी है 5 लाख की और करेंट असेट्स है 3 लाख के, दिक्कत है, आपके पास आएंगे कितने, 3 लाख, आप चुकाओगे कितने, 5 लाख, मतलब ये 5 लाख में से 3 लाख यहां लगे हैं, बाकी 2 लाख कहाँ लगे हैं, फिक्स्ड असेट्स में। करेंट लाइबिलिटीज कभी भी फिक्स्ड फाइनेंसिंग में नहीं जानी चाहिए, और कैपिटल का कोई भी हिस्सा कहां नहीं लगा हुआ है, करेंट असेट्स में। एनालाइज कर पा रहे हो बातों को, सिर्फ आंसर नहीं निकालना है आपको, बैलेंस शीट को पढ़ना सीखना है। अब आप ज्यादा सीख पा रहे होगे मुझे लग रहा है, बात समझ में आ रही है, कि अगर मैं तुमसे फिर से बोलता हूं पूरी कहानी सुनना ध्यान से, जितनी बातें मैंने बोली घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। करंट लाइबिलिटीज कितने की है, 5 लाख की, करंट असेट्स कितने के हैं, 3 लाख के। अब बताओ क्या हुआ, करंट असेट्स कम है, करंट लाइबिलिटीज ज्यादा है। अब इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स बता रहा हूं तुमको, पहली प्रॉब्लम आएंगे 3 लाख चुकाने हैं, 5 लाख दिक्कत है। दूसरी बात, अगर 5 लाख की करेंट लायबिलिटी है उसमें से मात्र 3 लाख ही करेंट असेट फाइनेंसिंग में लगे हैं, तो बाकी की 2 लाख करेंट लायबिलिटी कहां गई, फिक्स असेट्स में, यानी करेंट लायबिलिटी कभी भी फिक्स असेट फाइनेंस नहीं होना चाहिए, वो भी गलती हो गई। फिक्स असेट्स है, एक कैपिटल इसकी 15 लाख की है, और ये पूरे 15 लाख कहां लगे हुए हैं, फिक्स असेट्स में, क्योंकि यहां तो कुछ गया ही नहीं, क्योंकि पूरा करेंट लायबिलिटी से फाइनेंस हुआ है। बोलो हाँ या नहीं, यानी कैपिटल का कितना हिस्सा करेंट असेट्स में लगा है, 0। वर्किंग कैपिटल कितनी है, उल्टा नेगेटिव, वर्किंग कैपिटल कितनी है तुम्हारी, नेगेटिव, 3 माइनस 5 माइनस 2। बोलो हाँ या नहीं, नहीं समझे कि समझ गए, नहीं आया, तो यही प्रॉब्लम है वर्किंग कैपिटल की। तो वही बोला उसने, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होती है, 2:1, वैसे करेंट असेट से ज्यादा होनी चाहिए, वैसे क्या होनी चाहिए, करेंट असेट से ज्यादा। With creditors that want their money quickly, current ratio यानी, पढ़ लिया तुमने ratios chapter, current ratio यानी current assets upon current liabilities, ideal current ratio कितना होता है, 2:1। current ratio along with acid test ratio यानी कि, acid test ratio यानी कि quick ratio ideal कितना होता है, 1:1। has traditionally been considered the best indicator of working capital situation. It is understood that current ratio of 2 for manufacturing firm, that the firm has an optimum amount of working capital. ठीक है, this is supplemented by asset test ratio which should be at least 1. यानी जो पढ़ चुके हो, करेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 2:1, और एसेट टेस्ट रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1, अगर सही साठ वर्किंग कैपिटल चाहिए है तो। नहीं आया कि आया, हाँ बस अब आगे वही वही बात लिखी होंगी।
Thus, it is considered that there is comfortable liquidity position if liquid assets are equal to current liabilities. Liquid assets are equal to current liability यानी कि quick assets is equals to current liability, तभी तो 1:1 आएगा, नहीं कि हाँ फटाफट बोलो, नहीं आया कुछ याद, नहीं आया समझ, ठीक है क्या? Bankers, financial institution, financial analyst, investors and other people interested in financial statements have for years considered the current ratio of 2 and asset test ratio of 1 as indicator. मतलब वही वही बातें लिखी हुई है कि current ratio क्या होना चाहिए 2:1 और asset test ratio क्या होना चाहिए 1:1. asset test ratio यानी कि quick ratio, current ratio तो आप जानते ही हो, current assets upon current liabilities. हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया? अगला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. क्या 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 बेटा? टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. इससे पहली कौन सी है? कौन सी है? इनिशियल वर्किंग कैपिटल. कौन सी है? इनिशियल वर्किंग कैपिटल. व्हाट इज इनिशियल वर्किंग कैपिटल? जो शुरुआत में पैसा लगाया गया है उसको बोलते हैं इनिशियल वर्किंग कैपिटल, व्हिच इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. दूसरी कौन सी है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल, जो कंटिन्यू लगी हुई है. अब जैसे एट अ टाइम मेरे बिजनेस में 7 लाख के करंट असेट्स फंसे हुए हैं, 3 लाख रुपए इन्वेंट्री में रहते हैं, 2 लाख रुपए डेटर्स में रहते हैं और इतना कैश रहता है, तो कम से कम 3, 2, 5 और 6, 6 लाख के पैसे मेरे करंट असेट्स में रहते ही रहते हैं. उससे कम करूंगा तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा. नहीं आया? कम से कम गोदाम में इतना माल होना चाहिए, हाथ में इतना नगद होना चाहिए और इतनी मार्केट में लेनदारी होनी चाहिए, तभी बिजनेस ऑपरेट करता है. इससे 1 रुपए भी कम मैं अपनी वर्किंग कैपिटल से नहीं कर सकता. बोलो हाँ या नहीं? तो वो बोलते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल. बात समझ में आ रही है? तो मगर मैं बार बार शार्क टैंक का एग्जांपल देता हूं, तुमने शार्क टैंक में सुना होगा, पूछते हैं कितना रनवे बचा है तुम्हारे पास. सुना कभी ध्यान से? कितना रनवे. एक आया था वो जूते की कंपनी वाला, जिसकी कंपनी बंद होने वाली थी, जो रोने लगा था, जो बोल रहा था मेरी कंपनी शायद बंद हो जाए, तो वो बोल रहा था कि मेरा रनवे खत्म हो गया, मेरे पास वर्किंग कैपिटल के भी पैसा नहीं है. मतलब उसके बाद इतना पैसा भी नहीं बचा है अपने बिजनेस में कि वो जाके स्टॉक खरीद के आ पाए. अगर स्टॉक खरीद के आने का पैसा नहीं बचा होगा तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा. पर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इतना, भगवान ना करे, पर मेरे पास इतना कैश भी नहीं बचा है कि मैं इस महीने का रेंट दे पाऊं, बिजली का बिल दे पाऊं और स्टाफ को पैसा दे पाऊं. अगर मेरे हाथ में कैश ही नहीं है तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मेरे पास अभी आने वाले 3 महीने में कोई बैच नहीं आने वाला नया, तो बताओ क्या मेरी बिजनेस चल पाएगा कि बंद हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने का मैं किराया नहीं दे, किराया मैं भर नहीं सकता, बिजली का बिल मैं भर नहीं सकता, स्टाफ को सैलरी दे नहीं सकता. 1 महीने को स्टाफ को सैलरी दूंगा, स्टाफ भाग जाएगा, स्टाफ भाग जाएगा, मांग लो बाकी फैकल्टीज जो पढ़ाती है, पढ़ाने टीचर नहीं आया, के बाद समझ में आ रही है? किराया नहीं दिया, सामने वाला जाएगा, भैया मकान खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं, कोचिंग बंद करो अपनी, के बाद समझ में आ रही? तीसरा चीज, फिर वो सामने से आके क्या बोलेंगे, भैया बिजली का बिल नहीं भरा, तो बिजली काट के चले जा रहे हैं, बंद हो गया बिजनेस. अब क्या, आपका बिजनेस कितना भी प्रॉफिटेबल हो पर आपके पास कैश नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो फिर आपका बिजनेस नहीं चल सकता है. हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया? इतना तो धंधे में लगा होना चाहिए, या इतना पैसा तो हमारे पास होना ही चाहिए, वो होता है तुम्हारा रेगुलर वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? ऑल क्लियर, फटाफट बोलो. तीसरा क्या होता है? क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल. दिस कैपिटल इज नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. इट इज यूज टू रेज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बाय इंप्रूवमेंट और एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी. अब क्या है, कुछ नया करने के लिए कैपिटल चाहिए. रेगुलर 5 लाख, रेगुलर हर महीने का खर्चा मेरा 2 लाख रुपए, तो हर महीने मुझे 2 लाख चाहिए, मेरे पास 4 लाख रुपए पड़े हुए, 6 लाख रुपए पड़े हुए, मतलब 3 महीने का रनवे है मेरे पास. बात समझ आ रही है क्या? मेरे पास अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े, कितने पड़े? कितने पड़े? 6. हर महीने का कितना है मेरा रनवे? हर महीने का खर्चा कितना है? 2 लाख. तो मेरे पास कितने महीने का रनवे है? 3 महीने का. 3 महीने मेरे पास कोई कैश नहीं है तो मेरा धंधा चल जाएगा. लेकिन अब मुझे एक नया एसी लगाना है, सेंट्रलाइज एसी लगाना है 1.5 लाख रुपए का. तो अब ये मैं क्या करेगा? अब ये कौन सी कैपिटल है? रेगुलर वर्किंग कैपिटल नहीं, ये कौन सी कैपिटल है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नीडेड टू मीट द सीजनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस. या हमेशा 2 लाख का माल रहता है, दिवाली आने वाली है तो माल ज्यादा भरना पड़ेगा. नहीं आ रही बात समझ में? तो वो हमेशा नहीं लगी रहती, पर सीजनल के टाइम पे हमको अपनी वर्किंग कैपिटल क्या करनी पड़ती है? बढ़ानी पड़ती है. लोग क्या करते हैं, अपने सीजन के टाइम पे बैंक से लोन ले लेते हैं, कैश क्रेडिट ले लेते हैं, उधारी में माल ले आते हैं ज्यादा, क्योंकि धंधा करेंगे तभी तो बेच के प्रॉफिट निकाल पाएंगे. नहीं कि हाँ फटाफट बोलो, नहीं समझो. अगला क्या है तुम्हारा? रिजर्व मार्जिन वर्किंग कैपिटल. तो वो पैसा जो अपना लक्ष्य दबा के रखा हुआ है, जो रिजर्व करके रखा हुआ है, इमरजेंसी के टाइम पे यूज आएगा, एट द टाइम ऑफ कंटिंजेंसी. समझ गए?
परमानेंट एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल जो हमेशा लगा रहेगा, परमानेंट जो कुछ समय के लिए लगाया गया बाहर से लेके या किसी रूप से सीजन के लिए किसी के लिए, तो वो हो जाता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। देखो परमानेंट इतना रहेगा ही रहेगा, साथ में कुछ ऊपर नीचे जो हो रहा है तो वो कौन सा है टेम्पररी, परमानेंट से नीचे नहीं जाते हैं क्योंकि उसका पैसा कभी निकालते नहीं है। 6 लाख रुपए रनवे में चाहिए मतलब चाहिए, उसको छुएंगे नहीं। हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया, आ गया। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल जो लंबे समय के लगा, शॉर्ट टर्म वर्किंग कम समय के लगा। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि सिर्फ करंट एसेट्स को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल होते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आर यू ऑल देयर विद मी और नॉट, फटाफट बोलो। यहां तक आया समझ में? सब फटाफट बोलो, एक बार इसको रीड करो पूरे को, खासकर किस किस को रीड करना बता दूं क्या? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ग्रॉस, नेट, परमानेंट, टेम्पररी, इतने पढ़ लो फटाफट।